है नहीं यहाँ पे कुछ भी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको सरमानसी एक जिम्मेदार अधिकारी कैसी बात कर रहा है हमसे और सब लोगों के सामने की बात कौन सी क्यों नहीं है? हमने आप कानून का बताइए दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है, कहाँ लाइए दिखाई, छिपा के रोए लाइए दिखाई, ना मैनुअल दिखाई, वो पढ़वाइए लाइन एक बार मुझे, देख रहे हैं आप? तो ना आपने सूची मांगी और फिर मैं आपको बता, एक मिनट, संवेदनशील बंदी उनको कहते हैं जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड होता है, इनमें से किसी का भी पहला कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। नहीं कैसे मूर्ख मान रहे हैं सर, कुछ भी कह देंगे मान लेंगे, आप कहिए ना नहीं कराएंगे सरकार के दबाव में, ये कहिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं, बताइए कहाँ लिखा हुआ है। और दोस्तों में कौन नहीं आता, दोस्तों में तो पाकिस्तान तक के लोग आ जाएंगे, आप हमसे कहने मुलाकात नहीं करने। मैं आपको सर मेरी एक बात याद रखिए, सरकारें बदलती है, इस अन्याय का जवाब फिर देना पड़ेगा आपको, यहीं कहा यहीं कहा नौकरी करेंगे आप, बाकी आप माफ करो। आप लिख दो ना मेरी एप्लीकेशन पे, लिख के तो देना पड़ेगा ना, या फिर मैं यहीं बैठूं, आप मुझे बताओ सही करो अपने ऑर्डर के लिए, नहीं नहीं आप मुझे लिख के दोगे, आप वो कर रहे हो, आप लिख के दोगे, आपकी जिम्मेदारी जेल साहब, हम जवाब देंगे, किससे देंगे सर, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, लिखित में दीजिए ना, मैनुअल लाया नहीं है, लाया आप लिखित में मांग लो, लिखित में दिया सर मैंने, परमिशन कैंसिल कर दो ना मेरी, कैंसिल हो गई ना, हो गई कैसे, दो ना उसका कुछ कैंसिल का, वही मांग रहा हूँ सर, नहीं दी जाती, अरे मैंने पर्ची दी है सर, मेरा आधार कार्ड, आप आधार कार्ड का मिसयूज कर लो, आप लिख के दो मुझे, लिख के देने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे नहीं है सर, लिख के दे तो लेते हैं आप एप्लीकेशन, लिख के लेते हैं, आधार कार्ड लगवाते हैं सर, हम नहीं लगवाते हैं, गवर्नमेंट लगवाती है, हाँ तो गवर्नमेंट ही तो, आप अभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं आप, हाँ तो जितना पावर है हमने कहा, कहिए ना कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे सरकार के सामने, नहीं सरकार के सामने तो फिर लिख के दीजिए ना सर, चेहरा लाल हो गया आपका, लिखवा के दो मुझे, ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, मैं यहीं बैठूंगा सड़क पे, आप मुझे फांसी चढ़ा दो, भेज दो जेल में, मैं तैयार हूं, मुकदमा लिख के ये तो हुआ आग के लगाने वाली। और जो लोग मेल से या उससे करते हैं ऑनलाइन वाला, उसको कैसे कराते हैं? ऑनलाइन में करते हैं, यहाँ सुविधा नहीं है ऑनलाइन वाली, क्योंकि नई जेल है अभी, वो नहीं हुआ ये, इसके लिए सरकार दोषी है, हम लोग दोषी। मैं तो वहाँ से भी, मैं तो 20 जेलों में जाता हूँ, वहाँ से ऑनलाइन वो कर देते हैं, वहाँ से परमिशन हो जाती है, अप्रूवल आपके यहाँ है नहीं, हम तो प्रयास कर रहे थे, तो आप बताओ, हमारे यहाँ है नहीं अप्रूवल वाला, नहीं मतलब हम क्या करें, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन लागू नहीं हुई, क्योंकि जेल 1 साल की है ना, अभी 1 साल की जेल है, ऑनलाइन नहीं हुई, 1 साल की तो जेल है, मगर आप कोई अपने परिजनों से मिलने आएगा तो क्या करें, क्या आप इसलिए तो नहीं जाने दे रहे मुझे कि भाई इसलिए रोक रहे हैं कि उन लोगों को चोट ज्यादा लगी है, आप लोग नहीं चाहते मैं उनको देख लूं, मना करेंगे हम, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो बनाती है नियम उसी का पालन करना है हम लोगों को, हम लोग नहीं तो कुछ रोक सकते हैं उनके, लाइए कहाँ नियमावली दिखाइए कि व्यक्तिगत आके अपने आप आके वो लगाते हैं एप्लीकेशन, लाइए दिखाइए आपके यहाँ नियमावली होगी ना, दिखाई दीजिए, लाइए ऑनलाइन दिखा दीजिए, अब वकील हैं हम, क्या आपको क्या लग रहा है, कुछ भी कह के बेवकूफ़ बना देंगे तो चले जाएंगे क्या, फिर बताइए ना, लाइए कहाँ दिखाई, किसके पास नियमावली होगी ना, लाइए दिखाई, दिखाइए ना सर, भाई नहीं ना कुछ ऐसा, हम जानते हैं ना, आप जेल ना, मंगाइए ना, जेल मैनुअल मंगाइए ना, कहाँ दिखाई ला, आप दिखा दीजिए ना भाई, आप यहाँ के गार्जियन हैं जेल के, आप दिखाइए कि मैं ना इस नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा, इससे मैं रोक रहा हूँ, भाई मेरी एप्लीकेशन लिख दीजिए, बकायदा आपको कोविड की वो भी दी है, अब अगर सरकार के दबाव में या पुलिस के दबाव में या प्रशासन के दबाव में या पीड़ितों के न्याय की मांग ना उठे इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप जो है मानवता के भी खिलाफ और इस पोस्ट के भी खिलाफ जिस पर आप बैठे हैं, किस नियम से रोक रहे हैं वो नियम दिखाइए, मेरी एप्लीकेशन भी लिख दीजिए कि भाई मैं इस नियम का विरोध उल्लंघन कर रहा हूं, तो मैं नहीं मिलूंगा, विषय बताइए, लिख कर दीजिए और फिर देखें, मैं आपको कोर्ट लेके चलूंगा, आप देखें मैं आपको बताता हूं कैसे होता है, लिख के दीजिए मुझे, लाइए देखें मैं बताता हूं, वकील हैं, मैनुअल मंगाइए, लाइए दिखाइए, आप देखो तो मैनुअल दिखा दीजिए आपको, जो आप देखा सेक्रेटरी जिसे आप ये कह रहे हैं, जो आपने एप्लीकेशन दिया आप उसको रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करो, कारण लिख दो ना, किस कारण लिख दो, फिर आप देखिए, कानून सबके लिए है, पुलिस हो या कोई भी, फिर आप आइए तो दिखवा लूँ, आप बिल्कुल बेटा तुम लोग पीछे हो जाओ, पड़ोस रहे, मैं इनको ठीक करूँगा, जेल साहब को बताऊंगा कैसे चलती है जेल, मैं तो रह गया हूँ तिहाड़ तक, मुझे नहीं पता जेल में कितना करप्शन है, और नशा वसा सब जो आराम से जाता ना, अरविंद रास्ता तो देख लो, रास्ता ऐसे जेलों की वजह से देखो किस तरह से जो है ना आम आदमी परेशान है, मुलाकात के नाम पर पैसे लेते हैं, मैं इनकी वो करवाऊँगा नौकरी इनसे,
मैं देखो इससे बचना, इसको काट लो। सैनी इधर आ गया, मुलाकात के अपनी ये चूंकि सेंसिटिव बंदी था, बंदी जब ये जेल में आया तो ये सूची देगा उन व्यक्तियों को जो उनसे मिल सकते, वो सूची उसने प्रोवाइड नहीं कराया। इस आधार पर आपको ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किस आधार पे? परिवार और रिश्तेदारों तक ही सीमित होगी लिखा हुआ है। मैं पिछले कुछ परिवार रिश्तेदार सामाजिक रूप से परिवार कैसे तय करेंगे? किसी के यहाँ दुख होता है, इसको एक मिनट रखिए ना, रखिए रखिए, अभी तो आपने पढ़ा, मैंने देखा कहाँ है ये, किन कंडीशनों में है ये मैनुअल जो है ना, जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं, जिस हिस्से को आप पढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि राजनीतिक लोग मुलाकात आके करते हैं, कितने परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद परिवार की जो सूची आपके पास उन्होंने दी है वो दीजिए 9 दिन में, उसके बगैर आपने मुलाकात कैसे कराई ये बताइए। उन्होंने सूची दी होगी ना 10 लोगों की, वो सूची जारी की थी? नहीं, सूची दी ही नहीं, तो बताओ फिर आपसे पहले उनकी मुलाकात किस बेस पे हुई है? परिवार तक ही सीमित रहेगी लिखा है ना, कि अगर नहीं देता है तो परिवार तक ही सीमित रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ परिवार के ही लोगों को मिल रहे हैं, परिवार के कल जब उनके पास एप्लीकेशन की, पार्टी के लोग मिले हैं, सूची नहीं दी गई। कल जब उन्होंने आपके एप्लीकेशन की तो आपने उनसे वेरीफाई कराया? नहीं, आज 11 बजे तो आपने वेरीफाई कराया कि आपके परिवार के लोग हैं? अभी 11 बजे देगा तो कैसे वेरीफाई होगा? 9 बजे आ गई। नहीं भाई, 11 बजे कहाँ से देते हैं? 11 बजे देके कहाँ कराते हैं? 8:30 बजे शुरू कराते हैं हम लगा 11 बजे पर्ची जो नहीं, पर्ची तो 8:30 बजे लेते हैं और फिर अरे भाई आप लोग अपील तय कर लो, फिर हम बता रहे हैं कि 11 बजे जेल में जो लोग बंद है ना उनसे परमिशन की वो होती है कि भाई आप इनसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपने उनसे दी हो तो बताओ मुझे, ले लीजिए। कोई भी मिल सकता है किसी से? जी जी, आप सर कोई विशेष वो नहीं है ना, और सेंसिटिव बंदी नहीं है वो हमारी माए बहने हैं। सुनिए, ये इस आधार पर कैंसिल कर दी गई, इस आधार लिख के दीजिए ना मुझे, मेरी एप्लीकेशन पे लिख के दीजिए। जरूरत नहीं है, कैसे आप जिला प्रशासन से चाहो आप, हाँ तो इस उस पर लिख के दो ना कि आप ये आधार है, ये आधार ही नहीं है ना, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे हम झूठ, हमें कौन, हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं आप, पढ़ाइए मुझे मैनुअल, लाइए दीजिए पांडे जी, लाइए कहाँ मैनुअल दिखाइए, जाओ उसमें आप बात कर लो। परिवारजन कैसे तय करते हैं? ब्लड रिलेशन से? हाँ हाँ, तो मैं ब्लड रिलेशन साबित करूंगा, आप बुलाओ मुझे दिखाओ। अब आप जो है आप बात कर लो, है नहीं ना आप पे कुछ भी, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि जिम्मेदार अधिकारी कैसी बात कर रहा है हमसे और सब लोगों के सामने। शर्म की बात कौन सी आ गई, क्यों नहीं है हमने, आप कानून का बताइए दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे पावर नहीं है। कहाँ लाइए दिखाई, छिपा क्यों रहे, लाइए दिखाई ना मैनुअल, दिखाई वो पढ़वाइए लाइन एक बार मुझे, ऊपर अधिकारी बहुत है, लाइए वो लाइए ना एक बार दिखाई, पार्ट खोलिए लाइए मेरा, वो नोटिस कराइए ना। ये तुम बहुत वीडियो के पीछे पड़े, क्यों पड़े रहते हो? प्रत्येक संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले बंदी के जेल में प्रवेश पर उससे उन व्यक्ति की सूची देने के लिए कहा जाएगा जिनके द्वारा उससे मुलाकात किए जाने की संभावना से मुलाकात दोस्तों तक सीमित होगी। देख रहे हैं आप, तो ना आपने सूची मांगी और फिर मैं आपको बता दूं, एक मिनट, संवेदनशील बंदी उनको कहते हैं जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड होता है, इनमें से किसी का भी पहला कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, कैसे मूर्ख मान रहे हैं सर, कुछ भी कह देंगे मान लेंगे, आप कहिए ना नहीं कराएंगे सरकार के दबाव में, ये कहिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं, बताइए कहाँ लिखा हुआ है, और दोस्तों में कौन नहीं आता, दोस्तों में तो पाकिस्तान तक के लोग आ जाएंगे, आप हमसे कह रहे हैं मुलाकात नहीं करनी। मैं आपको सर मेरी एक बात याद रखिए, आप जनता के लिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन सा, ठीक है, सरकार के सारे पे काम करना बंद कीजिए, आप जो है ना अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हो, ये गलत। मैं तो आप मुझसे एक बार कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर, आप चले जाओ, मैं आपको परेशान क्यों करता, लेकिन आप याद रखिए सरकारें बदलती हैं, इस अन्याय का जवाब फिर देना पड़ेगा आपको, यहीं कहाँ नौकरी करेंगे आप, और मेरा तो ऐसा अनुभव सरकार डिपार्टमेंट में आदमी रिटायर हो जाता तो भी फिर हिचके आता है। आप मुझे मेरी एप्लीकेशन पर एक लाइन में लिख के दीजिए कि इस आदेश के कारण नहीं कर रहा हूँ, परमिशन दी आपने, आप लिख के दे दीजिए, मैं चला जा रहा हूँ, मुझे कोई आदेश नहीं है ना सर, वो आदेश लिख लीजिए, भाई अजय साहब मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दो मुझे। नहीं नहीं, आपने मेरी एप्लीकेशन को इस आधार पे क्या, तो लिख के तो दोगे मुझे, इस वजह से कर रहे हो आप, लेकिन तक आपको पता है कि आप पकड़े जाओगे, गलत है, हम नहीं पकड़े जाएंगे, और बाकी आप माफ करो,
अब मैं आपको कहेंगे भाई आप मालिक हैं नहीं, हम मालिक आप लिख दो ना मेरी एप्लीकेशन पे, लिख के तो देना पड़ेगा ना, या फिर मैं यहीं बैठूं, आप मुझे बताओ तय करो अपने ऑर्डर के लिए। नहीं नहीं आप मुझे लिख के दोगे, आप वो कर रहे हो, आप लिख के दोगे, आपकी जिम्मेदारी जेल साहब, ऐसा मत करो, आप लिख के दो सर कि भाई मैं इस नियम के अनुसार आपकी मुलाकात कैंसिल करता हूँ, बस एक लाइन लिख दो, जब वो नियम है ना सर। आप डीएम साहब बात कर रहे हो? अरे मैं क्यों, मैं तो आपसे, अच्छा मैं डीएम साहब से परमिशन लेके आया थोड़ा यहाँ, तो मैं तो आपसे परमिशन लेने के लिए, मैंने देखिए दो तीन चीज सर, मेरी परमिशन आपके पास है, डीएम साहब के पास है, अगर कोई डीएम साहब इस जेल के वो हैं गार्जियन या आप हैं बताइए, गार्जियन तो पूरा पहले आप हैं, डीएम साहब भी सीधे नहीं आएंगे आपको वो करेंगे बिल्कुल, लेकिन एक बजानी है, नहीं नहीं मेरी परमिशन लिख के खत्म कीजिए ना, जवाब हम दे देंगे सर, मुझे तो देना, मैं आज आपसे, मैंने आपको एप्लीकेशन किया सर, मुझे जवाब देना आपको, नहीं नहीं हमें, हम जवाब दे देंगे, किसे देंगे सर, मैं खड़ा हूं आपके सामने, लिखित में दीजिए ना, मैनुअल लाया नहीं लाए आप लिखित में मांग लो, लिखित में दिया सर मैंने, परमिशन कैंसिल कर दो ना मेरी, कैंसिल हो गई ना, हो गई कैसे, तो दो ना उसका कुछ कैंसिल का, वही मांग रहा हूँ सर, नहीं दी जाती भाई, अरे मैंने पर्ची दी है सर, मेरा आधार कार्ड लगा हुआ है, आप आधार कार्ड का मिस यूज कर लो, आप लिख के दो मुझे, मेरी कोविड की रिपोर्ट लिखी हुई, आप कुछ भी लिख दोगे उस पर, मुझे आप लिख के दो, मेरे आधार कार्ड को आपने कहीं और लगा दिया, ये आदमी जो है यहाँ पाया गया, लिख के देने का कोई प्रावधान नहीं है, कैसे नहीं है सर, लिख के दे तो लेते हैं आप एप्लीकेशन, लिख के लेते हैं, आधार कार्ड लगवाते हैं सर, हम नहीं लगवाते हैं, गवर्नमेंट लगवाती है, हाँ तो गवर्नमेंट ही तो, आप अभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं आप, हाँ तो जितना पावर है हमने, कहिए ना कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे सरकार के सामने, नहीं सरकार के सामने, तो फिर लिख के दीजिए ना सर, चेहरा लाल हो गया आपका, अरे धूप लग रही है सर, हमारे चेहरे में आप नहीं देख रहे, हम 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आए, मजाक कर रहे हैं, 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आए सर, पैसे खर्च करके, हम आप अपने ऑफिस से पड़े होकर इस तरह से कानून को बर्बाद करेंगे सर, फिर मैं भी आप जो मैं भी वादा करके मैं भी इनसे रखूँ, आप भी चाहते हैं इनसे लिखवा के दो मुझे, जॉइंट ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, मैं यहीं बैठूंगा सड़क पे, आप मुझे फांसी चढ़ा दो, भेज दो जेल में, मैं तैयार हूँ मुकदमा लिख के, ये ठीक नहीं है, आप लोग सब लोग ये गलत कर रहे हैं, मतलब रूल में मैंने उनका से मिल नहीं सकता ना, तो लिख के दे दो मुझे इस रूल के आधार पर, आप आपको दिखवा दिया यार, देखो दो चीज सब चीज बात है क्या, मैंने एप्लीकेशन रिजेक्ट तो करोगे ना, आधार दोगे ना, तो वही मांग रहा हूँ, आप ऐसा इस तरह केसेस अगर आते हैं क्या करते हैं आप, जैसे किसी को आप रिजेक्ट करते नहीं मिलवाते क्या करते हो, भगा देते नहीं, भगा देने का भगा दिया देते हैं, तो वो एप्लीकेशन पे तो करोगे ना, एक लाइन में लिख के नहीं, प्रधान नहीं जाएंगे आपके खिलाफ, संतुष्ट तो कीजिए आप, जाओ खूब जाओ, आप नेता लिख के दो दो तभी तो, कहाँ नेता है आप, अगर नेता होते तो आप हमें लेके नहीं जाते अंदर, हम क्यों ले जाएंगे, हमें क्या होता है सर, आप आते हैं लेने के लिए, हम नहीं जानते गेट बड़े वाला खुलता है, हम जैसे लोग तो नीचे से चले जाते हैं, नेताओं के लिए बड़े वाला खुलता है, हम नहीं जानते यहाँ के माफियाओं के लिए कैसे खुलता होगी, छोड़ो सर उसको लिख के दे दो एक लाइन, हमें संतुष्ट नहीं, लिखने लिखने का प्रावधान नहीं है भाई, मैनुअल में ये भी तो लिखा होगा, लिखने का प्रावधान नहीं दिखा होगा, नहीं है आप बात ना मानो, आप विश्वास नहीं करोगे आप, फिर आप ऐसे चला रहे हो, ऐसे कर रहे हो काम, फिर पढ़ लीजिएगा आप, कहाँ नियम है, आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उन महिलाओं को फ्रैक्चर है, नहीं कुछ नहीं है, 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 कैसे है, कैसे है, आप कह दोगे एक महिला की उंगली यहाँ से फटी यहाँ तक, हम जिस दिन वो अलग है, कह रहा हूँ सर मैं तो जेल रहा हूँ ना, आदमी यहाँ मर जाता है, आप कैनूला लगा के डॉक्टर से भिजवा देते हो और कहते हो रास्ते मरा, आप मुझे विरोध में करवा रहे हो कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, आप मुझे विरोध में करवा रहे हो कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, अपमान को वो करके, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपके पीछे पड़ गया तो सर मैं आपको देख लेना, हम तुम पीछे पड़े आप पढ़ेंगे, आप पढ़ा रहे ना, आप पढ़ा नहीं रहे हो, लिख के भी नहीं दे रहे हो, नहीं नहीं होता, आप मुझसे कहते चंद्रशेखर चले जाओ मेरे ऊपर दबाओ, मैं चला जाता, ठीक है।